बॉलीवुड की उन हीरोइनों में से एक थी जिनकी खूबसूरती और एक्टिंग के सभी फैन थे। उनके साथ सभी काम करने के सपने देखते थे। 70s के दशक में आशा सचदेव काफी पॉपुलर थीं और उस दौर के हर पॉपुलर डायरेक्टर और एक्टर उनके साथ काम करना चाहते थे। खुद महेश भट्ट भी उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ये हो नहीं पाया। आशा धीरे धीरे काफी सक्सेसफुल बन गई, लेकिन एक बी ग्रेड फिल्म ने उनके करियर को ब्रेक लगा दी। आशा सचदेव ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था बिंदिया और बंदूक। ये एक बी ग्रेड फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म काफी जबरदस्त हिट रही, लेकिन फिर भी ए लिस्टेड एक्टर्स और डायरेक्टर्स आशा सचदेव के साथ इस फिल्म के बाद काम नहीं करना चाहते थे। सब ने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया, कोई भी उन्हें अपनी फिल्म में ऑफर नहीं कर रहा था। इसी फिल्म ने आशा के करियर को ब्रेक लगा दी। ये सब होने के बाद ना चाहते हुए भी आशा सचदेव को कम बजट वाली फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लीड हीरोइन की बजाय आशा सचदेव को सपोर्टिंग हीरोइन के किरदार मिलने लगे। किसी फिल्म में वो हीरोइन की बहन बनती तो किसी फिल्म में उनका साइड रोल ही होता। आखिर देखते ही देखते वो कैरेक्टर रोल तक ही सिमट कर रह गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।